वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों और जो जोकर ड्रामा सीरियल आफत बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका नेक्स्ट टाइम वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि वहाज महक के पास जाकर कहता है कि जान मैं नहीं चाहता कि अब कभी भी बरीशा से मेरी ऐसी कोई भी बात हो बरीशा जो चाहती है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मैं शिफा से मोहब्बत करता हूँ और मैं शिफा के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता पहले भी वरीशा जान लेने की कोशिश कर चुकी है वहाज मैं अब क्या करूं? वरीशा तुमसे बेानतहा मोहब्बत करती है तुम्हारे अलावा शायद किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती ये बात सुनकर वहाज कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं होती मैं कभी भी परिशा का नहीं हो सकता परिशा मेरे बारे में जो कोई सोच रही है मैं उसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शिफा से बेानतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं शिफ़ा को नहीं खोना चाहता मैं नहीं चाहता कि शिफा और मेरे बीच अब किसी किस्म की भी गलत फहमी हो कब बहुत ही ज़्यादा परेशान है उसे तो लगता था कि वह आज इस रिश्ते के लिए मान जाएगा और शिफा को छोड़ देगा लेकिन वहाज साफ इनकार कर देता है कि वह शिफा के बगैर नहीं रह सकता वो शिफ़ा से बेानतहा मोहब्बत करता है मैं कहती है कि ठीक है वह आज तुम जो भी करना चाहो तुम कर सकते हो शायद अब वरीशा के लिए तुम नहीं हो लेकिन वरीशा अब ऐसा कोई कदम उठाएगी तो शायद मैं उसे नहीं बचा पाऊँगी यह बात सुनकर वह आज कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ मैं अपनी मोहब्बत को इस तरह कुर्बान नहीं कर सकता मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शिफ़ा के बगैर नहीं रह सकता सब घर वालों का भी यही फैसला है अगले ही सीन में अब ये भी आप देखने चाह रहे हैं कि शिफा को सब कुछ पता चल जाता है कि वरीशा वहाँ से शादी के ख्वाब देख रही है शिफा परीक्षा को कॉल करके कहती है कि आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही दी मुझे तो पहले ही शक हो चुका था कि तुम इस घर में किसी मकसद के तहत आई हो लेकिन इस तरह तुम बहाज को ही हासिल करने की कोशिश करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम मेरी खुशियों को छीनना चाहती हो तुम्हें क्या लगा कि इस तरह तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मैं तुम्हें बता दूं कि अब जो भी है वहाज से जितना तुम दूर रहोगी वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा वहाज से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तलक नहीं होगा यह बात सुनकर वरीशा कहती है देखते हैं कि वहाज किससे शादी करता है तुम्हें क्या लगता है कि वहाज तुमसे शादी करेगा तुमसे किसी किस्म का कोई तलक रखेगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है ये बात अब बहुत ही ज़्यादा वरीशा को भी परेशान कर रही है वरीशा तो हर कीमत पर वहाज को हासिल करना चाहती है उसे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि जब तक वहाज उसका हो नहीं जाता उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा शिफा और वहाज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वहाज तो ख़ुद भी अब बेानतहा वरीशा से नफरत करता है और वरीशा से किसी किस्म का कोई तलक नहीं रखना चाहता शिफा एक बार फिर वरीशा को कह दिया कि तुम्हें तो मैंने अपनी बहन समझा था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह मेरी पीठ पीछे वार करोगे लेकिन जो कुछ तुम कर चुकी हो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई तलक नहीं मेरा तलक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नफ़रत का है तुमसे तुमने जो खेल शुरू किया है इसे मैं ख़त्म करूंगी। शिफा की ये बातें सुनकर वरीशा अब और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है वरीशा को तो लगता था कि शायद अब किसी तरह बहाज शिफ़ा को छोड़कर उससे शादी करेगा उससे किसी किस्म का कोई तलक रखेगा महमूद एक बार फिर परी के पास आता है और कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो बहुत जल्द हमारे पास एक बहुत अच्छी रकम आने वाली है उसके बाद हम ये शहर छोड़ कहीं और रहने लगेंगे महमूद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब कुछ भी आएगा महक को तुम जानते नहीं महक को अब शायद तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है महमूद अब तुम शायद किसी के काम के नहीं रहे महमूद कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे बेानतहा मोहब्बत करता हूँ मोहब्बत से पेट नहीं भरता मोहब्बत के लिए इंसान के पास कुछ होना भी ज़रूरी है मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में तुम ऐसी कोई भी बात करो अगर तुम पैसे लेकर नहीं आओगे तो आइंदा हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं होगी यह बात सुनकर महमूद कहता है कि परी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ मैंने महक से धोखा सिर्फ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए किया अब भी तुम तो महक से धोखा करो या जो भी कहो लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि अब तुम्हें पैसे लेकर आने पड़ेंगे नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी महमूद अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है यह सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों चैनल को सब सब्सक्राइब कर लें शुक्रिया अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें